अभी तक आपने पुलिस को सिर्फ रिश्वत लेते और उनके सख्त रवैये के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने अब जो मिसाल पेश की है वो दिल छू लेने वाली है। यहाँ खाकी वर्दी वालों ने जैसे ही भीषण गर्मी में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के कर्मचारी को साइकिल से घर घर जाकर खाना सप्लाई करते देखा तो उनका दिल पसीज गया और उन्होंने मिलकर उसकी मदद करते हुए उसे एक नई बाइक दिलवाई है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस की इस पहल को सल्यूट कर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल शानदार मिसाल इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस ने पेश की है। यहाँ के टीआई तहजीब काजी ने बताया कि वह कुछ दिन पहले गश्त पर निकले थे, तभी मैंने एक फूड डिलीवरी बॉय को साइकिल से खाना सप्लाई करते देखा तो मैंने उसे रोका और कहने लगा, सर जाने दो, मुझे भी बहुत जगह खाना सप्लाई करने जाना है। बस इसी दौरान टीआई ने सोच लिया कि वह उसकी मदद करके रहेंगे। अगले दिन थानेदार साहब ने यह बात अपने विजयनगर थाने के पुलिस कर्मियों के साथ साझा की और उसकी मदद करने की योजना बनाई और उन्होंने अपने साथियों को बताया कि युवक से बातचीत पर पता चला है कि वो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, उसके पास मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद थाने के सभी स्टाफ ने मिलकर अपनी सैलरी से कुछ पैसा जुटाकर जमा किए और फिर 32,000 रुपये डाउन पेमेंट जमा कर डिलीवरी बॉय के लिए नई बाइक निकाल ली। आपको बता दें, पुलिस ने जिस युवक को बाइक तोहफे में दी है उसका नाम जय हल्दे है। उसने बताया कि साइकिल के कारण वह कई बार देर से खाना ग्राहकों तक पहुँचा पाता था, जिसके चलते उसे काफ़ी डांट भी सुननी पड़ती थी। घर में मेरा छोटा भाई है और एक माँ है, दिन भर फूड डिलीवरी करने के बाद 300 रुपये जमा कर लेता हूँ, इससे घर का खर्च चलता है, इसी वजह से बाइक नहीं खरीद पाया था। लेकिन जब पुलिस का फोन आया कि तुम्हें थाने आना है तो पहले तो मैं बहुत डर गया था और सोचने लगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, और फिर हिम्मत जुटा कर मैं थाने पहुंचा तो डर कर मैंने साइकिल भी थाने के ही बाहर खड़ी कर दी थी। टीआई साहब ने कहा, आज से ही यह गाड़ी अब तुम्हारी है और अब तुम इससे ही फूड डिलीवरी करना, और इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। पुलिस कर्मियों के इस नेक काम की अब हर कोई तारीफ करता नजर आ रहा है।